all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. मॉर्निंग की शुरुआत होती है खूब सारा पानी पी के. आई लव ड्रिंकिंग वाटर. और इस दिन मैं काफी लेट उठी थी, कुछ 10:30 11 o'clock, विच इज क्वाइट लेट बिकॉज आई वॉज एडिटिंग एक दिन पहले. एनीवे, आई विल जस्ट गो थ्रू माई फोन नाउ, चेकिंग व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम. उसके बाद आई विल स्विच ऑन द गीजर एंड गो ब्रश माई टीथ इन द वॉशरूम. मुझे टंग क्लीनर भी यूज करना पसंद है. And then after that, I'm gonna make my bed. This is something I really don't do all the time, but आज आप लोग के लिए मैं ये कर रही हूँ. अभी दीदी भी घर पे नहीं है, so the entire bed is mine. वरना I shared this room and this bed with my sister. इस दिन मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही थी, सो आई हैड माई कॉफी. दिस इज विचार ओवर वेनिला बाय इम्पल्स. आई रियली लाइक द टेस्ट ऑफ इट. उसके साथ मैंने लिए थोड़े से नट्स. दिस इज कैशूज एंड बादाम. आफ्टर दैट आई वॉश्ड मेरे और दीदी के कपड़े. दीदी मुझे बोल के गई थी कि कपड़े धो के रखना, सो अभी मैं धो रही हूँ वॉशिंग मशीन में. जितने भी कपड़े हैं ना, वो मैं पलटा के अंदर डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में, जिसमें ऐसे दाग ज्यादा होते हैं तो वो हाथ से धुल जाते हैं. उसके बाद आई एम गोना जस्ट स्विच ऑन द वॉशिंग मशीन. इट्स गोना टेक लाइक 1.5 आवर्स. तब तक हम लियो को नहलाएंगे. आज लियो नहीं नहीं करेगा, है ना लियो? ये लड़का इतना बदमाश है, इसको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं. तब सामने नहलाना पड़ता है इसको, सबके सामने, है ना लियो? लियो इज अ 6-year-old बीगल. हफ्ते में एक बार उसे नहलाना पड़ता ही है, और बारिश के मौसम में ना उसे खुजली बहुत होती है. सो आई एम यूजिंग मेडिकेटेड शैम्पू फॉर हिम एंड ही इज लुकिंग सो फ्रीकिंग क्यूट. नहलाने के बाद मैंने उसे टॉवल से अच्छे से सुखाया. उसके बाद हेयर ड्रायर से लास्ट में सुखाना पड़ता है, क्योंकि बारिश के मौसम में वो जल्दी सूखता नहीं, और गीला रख दो ना तो वो अपने आप को खुजाना शुरू कर देता है. लियो को सुखाने के बाद जो कपड़े धुल गए थे, उसे सुखाने का समय आ गया है. आज ना बारिश नहीं हुई थी, तो परफेक्ट टाइम टू ड्राई द क्लोथ्स बाहर. सो ये आंगन में मैं अपने कपड़े सुखा रही हूँ. कपड़े सुखाने के बाद आई एम गोना गो टेक शावर. मैंने ऑलरेडी अपना शावर रूटीन पोस्ट किया है अपने चैनल पे, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्या कर रही हूँ. आई एम जस्ट वॉशिंग माई हेयर यूजिंग माई शैम्पू. बहुत गंदे हो गए थे मेरे बाल. उसके बाद आई एम गोना बी अप्लाइंग कंडीशनर ऑन दी लेंथ ऑफ माई हेयर, कीपिंग इट फॉर 2 मिनट्स, एंड देन आई एम गोना रिंस माई हेयर. फॉर बॉडी आई यूज सेसलिक एसिड बॉडी वॉश बाय द डर्माको. ये काफी अच्छा है. अगर आपको बॉडी एक्ने की प्रॉब्लम है ना, तो आप ये ट्राई कर सकते हो. सो मैंने एक बड़े से लूफे में इसे लिया है, हाथ पे, पीठ पे, हर जगह मैंने इसे अप्लाई किया, एंड देन आई रिंस्ड माई बॉडी. उसके बाद इट्स टाइम टू वॉश माई फेस. आई एम यूजिंग 2% सेसिलिक एसिड फेस वॉश बाय डॉक्टर शेड्स टू वॉश माई फेस. दिस वर्क्स ब्यूटीफुली ऑन एक्ने प्रोन स्किन, ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव डेड स्किन सेल्स, टारगेट्स ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स. सो अच्छे से फेस को वॉश किया है. उसके बाद आई एम गोना रिंस माई फेस यूजिंग सम नॉर्मल वाटर, एंड देन आई पैड ड्राइड माई स्किन, एंड देन आई यूज द डफ साइड ऑफ माई टॉवल टू जस्ट स्क्रब माई लिप्स. इससे डेड स्किन सेल्स काफी अच्छे से निकल जाते हैं, क्योंकि लिप्स मॉइस्ट हो जाते हैं काफी समय से मैं बाथरूम में थी. सो दिस इज अ ट्रिक दैट आई हैव मेंशनड अगेन एंड अगेन ऑन माई चैनल. शावर लेने के बाद I applied moisturizer and I quickly changed into my outfit for today. This is chikankari white and pink kurta with cropped pants. Today I just felt like wearing Indian. And then I quickly did my skincare routine. सबसे पहले मैं अपने face पे toner apply कर रही हूँ. I'm gonna wait for 30 seconds. उसके बाद I'll be applying my BHA spot treatment serum. This is for acne marks and scars. And moving on to sunscreen. Here I was just showing कि मेरा sunscreen मेरे outfit के साथ match कर रहा है. So this sunscreen is gonna act as a moisturizer as well, because this is like a hydrating dewy sunscreen. This sunscreen is by Ecologica. Last वीडियो में मैंने गड़बड़ कर दी थी, मैंने उसे डर्मा को बोल दिया था. एंड क्विकली गोना अप्लाई लिप बाम टू मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट माय लिप्स. नाउ आई एम गोना रिमूव द हेड रैप एंड सोक अप द एक्सेस वाटर फ्रॉम माय हेयर, एंड इट्स टाइम टू स्टाइल माय हेयर. आज मेरा शूट डे है, सो आई कांट एयर ड्राई माय हेयर, बहुत समय लग जाएगा उसको. सो आई एम गोना बी यूजिंग हीटिंग टूल, एंड एवरी टाइम आई यूज हीटिंग टूल आई ऑलवेज लाइक टू यूज हीट प्रोटेक्शन ऑन माय हेयर. एंड टुडे आई विल बी यूजिंग हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन मिस्ट बाय द ब्रांड बी ब्लंट. प्रोटेक्शन मिस्ट अप्लाई करने के बाद मैं नीचे नीचे से बालों को कॉम कर रही हूँ, ताकि वो टैंगल ना हो जाए जब मैं उसे सुखा रही हूँ. फिर मैं अपना हेयर ड्रायर लेके अपने बालों को सुखाऊंगी. मेरे हेयर ड्रायर में कोई टेम्परेचर सेटिंग नहीं है. ऑल राइट, जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए ना फॉर माई स्किन, हेयर, बॉडी, एवरीथिंग विल बी लिस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो अगर मैं नाम नहीं भी ले रही हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो. पहले मैं हॉट सेटिंग यूज करते हुए अपने बालों को सुखाना पसंद करती हूँ. उसके बाद लास्ट में हॉट सेटिंग ऑफ करके कूल सेटिंग में अपने बालों को फाइनली सुखाती हूँ. बालों को सुखाने के बाद बाल कुछ ऐसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना. सर्दी और बारिश के मौसम में तो हेयर ड्रायर मेरे लिए मस्ट है.
आई एम अप्लाइंग बॉडी मिस्ट नाउ, जो कि नहाने की तुरंत बात करना था, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं भूल गई थी. सो दिस इज बाय द ब्रांड ग्लोबल देसी इन द फ्रेग्रेंस स्टार गेज. इट हैज लाइक अ मस्की फ्लोरल सेंट टू इट व्हिच आई लाइक. उसके बाद आई सेट डाउन टू डू माय नेल्स. आप लोग देख सकते हो पुराना नेल पेंट चिप हो रहा था और आज मेरा शूट डे था, तो शूट से पहले आई ऑलवेज लाइक टू मेक श्योर कि मेरे नेल्स अच्छे से मैनिक्योर्ड है. सो पुराना वाला नेल पेंट पहले मैंने रिमूव किया, उसके बाद आई अप्लाइड दिस न्यूड मॉव पिंक नेल पेंट ऑन माय नेल्स. इस नेल पेंट का नाम है रोज रूम. दिस इज फ्रॉम नायका फ्रॉम देयर इंस्टा ड्राई कलेक्शन. पहले मैंने एक कोट अप्लाई किया था और ऑफ कैमरा मैंने दूसरा कोट अप्लाई किया था बेसिकली, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट. उसके बाद आई ऑल्सो डिसाइडेड टू रैप द गिव अवे पैकेजेस. बहुत टाइम से ये पेंडिंग था. लास्ट मंथ मैंने गिव अवे किया था फॉर माई बर्थडे, जहाँ पे दो विनर्स होने वाले थे. विनर्स मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हूँ. सो रीसाइक्लिंग एंड रीयूजिंग दिस पैकेजिंग प्रोटेक्शन रैप्स. आपको पता है लेट क्यों हो गया मुझे गिव अवे पैक करने में और डिलीवर करने में? बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर दिस ऑर्डर इन आया एसेसरी से. मैंने ये मंगाया था वाटर प्रूफ और एंटी टार्निश ज्वेलरी, जो की पार्ट था गिव अवे का, और काफी समय लग गया घर पे पहुंचने में इसको. एनीवे आई फिनिश द गिव अवे पैकेजिंग. मैंने एक स्मॉल नोट भी लिखा था, थैंक यू नोट, जो कि मुझे पैकेज के अंदर डालना था, बट मी बीइंग मी मैं भूल गई, तो मैंने बाहर उसे चिपका दिया. एंड आई डिड द फाइनल रैप फॉर द गिव अवे. इट वाज सो मच फन. आई लव पैकिंग गिफ्ट्स एंड ओपनिंग गिफ्ट्स. गिव अवे पैक करने के बाद आई वेंट अहेड एंड हैड माय ब्रंच फॉर टुडे. एज आई टोल्ड यू आई वाज डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, सो दिस इज व्हाट आई हैड. छोले और भिंडी की सब्जी, दो चीला एंड सलाद खाया मैंने इस दिन. इट वॉज अगेन अ वेरी होलसम एंड फुलफिलिंग मील. खाना खाते खाते दोपहर हो ही चुका था, तो ये मॉर्निंग रूटीन दोपहर तक खिंच चुका है. एनीवे आई जस्ट सेट डाउन टू डू माय मेकअप नाउ. मैं अपने गो टू मेकअप्स और मेकअप प्रोडक्ट्स जो मुझे ट्राई करने हैं, जो नए हैं, ऐसे बॉक्सेस में रखती हूँ. एक में मैं ब्रशेस रखती हूँ और दूसरे में मेकअप आइटम्स ऐसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ. आई डू दिस बिकॉज मेरे वैनिटी में ना ज्यादा स्पेस नहीं है और वहाँ पे लाइट भी अच्छी नहीं आती. सो आई बीन कीपिंग माय गो टू मेकअप सेपरेटली, ताकि ये टाइम बचा सके मेरा. जब भी मैं ऐसे सिट डाउन लॉन्ग वीडियोस फिल्म करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आई ऑलवेज गो फॉर अ लिटिल हैवी बेस, ताकि वो बेस करीबन 2-3 घंटा लास्ट कर सके मेरे फेस पे एंड आई कैन फिल्म मल्टीपल वीडियोस. सो वही मैं करने वाली हूँ. सो अच्छे से कलर करेक्टर अप्लाई किया अपने फेस पे, देन आई वेंट हेड एंड अप्लाइड फाउंडेशन, कंसीलर. कंसीलर और फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद उसे अच्छे से सेट किया. एंड मैं आई मेकअप बहुत ही लाइट रखूंगी और ऐसा रखूंगी कि मेरे डिफरेंट आउटफिट के साथ चला जाए, बिकॉज आई बी फिल्मिंग व्हाट आई गॉट फॉर माय बर्थडे राइट. सो मैं डिफरेंट आउटफिट्स भी ट्राई करूंगी. और सच बता रही, मुझे इस समय थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था बिकॉज आई वॉज पीएमएसिंग. मेरा पीरियड आने वाला था विद इन अ वीक, सो आई फेल्ट अ बिट लो एट दिस पॉइंट. बट थोड़ा थोड़ा करके जब मैंने काम करना शुरू किया, मैं रेडी होना शुरू हुई, आई वॉज फीलिंग प्रोडक्टिव एंड आई वॉज फीलिंग बेटर. एंड मेकअप इज काइंड ऑफ अ थेरेपी फॉर मी. सो आई लुक कंप्लीट करने के बाद आई अप्लाइड मस्कारा. सो टुडेज लुक इज काइंड ऑफ लाइक अ पिंक ग्लैम न्यूड लुक. कुछ 10 से 15 मिनट के अंदर मैंने पूरा का पूरा लुक क्रिएट कर दिया था. एंड लास्ट में आई अप्लाइड माई लिपस्टिक, यूज सम सेटिंग स्प्रे टू सेट माई मेकअप इन प्लेस, एंड ऑल्सो द मेकअप इज गोना लास्ट लॉन्गर. पूरे लुक को कम्प्लीट करने के लिए आई वॉर माई सिल्वर ज्वेलरी. बालों के लिए मैंने अपना गो टू बन क्रिएट किया, ऊपर से बालों को ट्विस्ट करके वहां पे रबर बैंड लगा दिया. एंड दिस इज द लुक फॉर टुडे टू फिल्म व्हाट आई गॉट फॉर माई बर्थडे. सो माई बर्थडे वॉज अबाउट अ मंथ अगो. 25 जुलाई को मेरा बर्थडे था, बट सब कुछ गिफ्ट रिसीव करने में मुझे समय लग गया. कुछ मुझे बर्थडे के दिन मिले, कुछ उससे पहले, कुछ उसके बाद. एनीवे बाई नो मीन्स आई एम ब्रैगिंग बाई शोइंग यू ऑल दिस गिफ्ट. बड़े ही प्रेम और प्यार से मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स ने तोहफे दिए हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद माई यूट्यूब फैमिली, यू नो दैट वट ऑल आई गॉट फॉर माई बर्थडे. फर्स्ट थिंग इज अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू मी एंड आई एम होल्डिंग दिस गिफ्ट. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट यू गाइज. मेरे इंस्टाग्राम फैमिली को इसके बारे में पता होगा, बिकॉज जिस दिन मैं इसे लेने के लिए जा रही थी, मैं बैक टू बैक स्टोरीज पोस्ट कर दी थी. एंड टन टडा, दिस इज आईफोन. दिस इज माय फर्स्ट एवर आईफोन एंड दिस इज आईफोन 13 प्रो मैक्स 256 GB. और ये कलर है ग्रेफाइट. दिस इज जस्ट द आउटर पैकेजिंग एंड दिस इज द फोन. लुक एट द बिल्ड ऑफ दिस फोन. दिस इज सो क्लासी एंड सेक्सी. पिछले 6 महीने से आई बीन प्लानिंग टू गेट दिस फोन, बट मैं थोड़ा सा हिचकिचा रही थी बिकॉज ऑफ द प्राइस. द कॉस्ट ऑफ दिस फोन इज 13 लाख की बोलने वाली थी, 1,39,900 rupees. सो यस, दिस इज एन एक्सपेंसिव फोन, बट दिस इज द बेस्ट फोन अवेलेबल इन इंडिया. मुझे पता है अश्योरिटी कब हो गई कि मुझे ये वाला फोन अब ले लेना चाहिए. व्हेन लास्ट मंथ माय व्लॉगिंग कैमरा वाज स्टोलन एंड आई वांटेड टू इन्वेस्ट ऑन लाइक गुड इक्विपमेंट्स एंड आई थॉट ऑफ गेटिंग दिस फोन बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. फर्स्ट बीइंग आई वांटेड टू लाइक प्रोड्यूस मोर फास्ट एंड गुड क्वालिटी कॉन्टेंट. एंड फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स आप लोग देख सकते हैं आई हैव बीन प्रोड्यूसिंग बैक टू बैक यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील्स, और उन सबकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है. तो मजा आ रहा है मुझे इस फोन को यूज करते हुए. इससे पहले जो फोन मैं यूज करी थी वो था ये, दिस इज पिक्सल 3. आई बॉट दिस फोन इन द ईयर 2019. जो भी पैसे एज अ कंटेंट क्रिएटर मैंने 2019 के टाइम पे कमाए थे, बचाए थे, तब मैंने ये फोन लिया था. और इस फोन से ये बहुत ही बड़ा अपग्रेड यू गाइस. बहुत ही दिल धक धक कर रहा था जिस दिन मैं ये फोन लेने के लिए जा रही थी बिकॉज ऑफ द अमाउंट, बट नाउ आई हैव इट. सो आई एम लाइक रियली रियली हैप्पी विद दिस परचेज. आई डू फील लाइक दिस फोन शोज दैट हाउ फार वी हैव कम एंड द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल.
सो आई रियली वांट टू थैंक यू गाइस, थैंक यू सो 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 मच, क्योंकि आप लोग का भी बहुत ही बड़ा योगदान है इसमें. अगर आप लोग मेरा चैनल नहीं देखोगे, मुझे मेरे कॉन्टेंट को प्रोड्यूस नहीं करोगे, सो आई डो नॉट थिंक सो दिस चैनल इज गोना इवन लास्ट, और ग्रोथ भी नहीं होगी इस चैनल की. सो या थैंक यू सो सो मच गाइज. सो दिस इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट दैट आई डिड फॉर आवर चैनल, और अभी देखना और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट प्रोड्यूस करूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस फोन. नेक्स्ट गिफ्ट आई हैव इज अ वॉच. पहले तो आउटर पैकेजिंग देख लो गिफ्ट का, कितना ही ज्यादा सुंदर है. दिस इज बाय द ब्रांड केसियो एंड दिस इज फ्रॉम देयर विंटेज सीरीज, और ये गिफ्ट मुझे दिया है परीक्षित ने. मैंने परीक्षित और मेरी बहन को एक दिन रैंडमली ऐसे मेंशन किया था दैट आई रियली लाइक दिस वॉच एंड वन डे आई एम गोना गेट दिस वॉच, एंड दे रिमेंबर्ड एंड दे बॉट दिस वॉच. सो ये रोज गोल्ड कलर का वॉच है एंड दिस लुक्स सो क्लासी एंड सेक्सी एट द सेम टाइम. दिस कैन गो विद इंडियन एंड वेस्टर्न आउटफिट बोथ. आई लव इट. थैंक यू सो मच परीक्षित फॉर दिस. नेक्स्ट गिफ्ट इज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट. दिस इज अ परफ्यूम बाय द ब्रांड वर्साचे. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. दिस इज एन इटालियन ब्रांड एंड दिस इज इन द फ्रेग्रेंस क्रिस्टल नॉयर. ये उनका EDT है. दिस गिफ्ट इज फ्रॉम तिवारी सिस्टर्स. सो जानवी और गोपाली ने मुझे ये भेजा है और मुझे पता ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ मुझे भेज रहे हैं. पहली बात तो ये कि आई वॉज लाइक कि कंफ्यूज कि तुम लोग के पास मेरा एड्रेस कैसे आया, कि मैंने तो दिया नहीं तुम लोग को. एंड दे टोल्ड मी कि उन्होंने सारा से मांगा, सारा के पास मेरा एड्रेस है बिकॉज ऑफ इम्पल्स कॉफी. सो दिस इज व्हाट द एक्चुअल परफ्यूम लुक्स लाइक. इट लुक्स वेरी लग्जरियस एंड दिस इज अ लग्जरी परफ्यूम बाय द वे. और इस परफ्यूम के नोट्स भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए. इसका जो टॉप नोट है दैट्स फ्लोरल एंड इसका जो बेस नोट है दैट्स मस्की. सो मुझे फ्लोरल और मस्की स्मेल्स काफी ज्यादा पसंद है. सो थैंक यू सो सो मच जानवी एंड गोपाली फॉर दिस. दिस इज माई फर्स्ट एवर एक्सपेंसिव परफ्यूम एंड आई एम गोना ट्रेजर दिस लाइक हाउ. गिफ्ट्स आर कपड़े. दिस आर फ्रॉम माई एल्डर सिस्टर. बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मुझे तोहफे में मिले. फर्स्ट आई हैव दिस चारकोल ग्रे कलर का क्रॉप टॉप. दिस इज बाय द ब्रांड H&M. इसकी फिट बहुत ही ज्यादा अच्छी है. पता है मेरे पास इसका पिंक कलर भी है और उनको वो ध्यान था कि मुझे इसका फिट काफी पसंद है, तो उन्होंने मुझे चारकोल ग्रे कलर का भी गिफ्ट कर दिया. ये क्रॉप टॉप ना ज्यादा शॉर्ट भी नहीं, एकदम परफेक्ट फिट बैठता है. मुझे ज्यादा क्रॉप भी पसंद नहीं है क्रॉप टॉप. नेक्स्ट टू थिंग्स आर अगेन टॉप्स. दीज आर बाय ज़ारा. दिस इज अ लाइम ग्रीन कलर का टैंक टॉप एंड दिस इज अ स्ट्रेचेबल मटेरियल. बहुत ही अच्छा क्वालिटी भी है इसका. मुझे ज़ारा की एक चीज काफी अच्छी लगती है दैट देयर क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड एंड दिस टैंक टॉप इज फिगर हगिंग एज वेल बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ डिजाइन एंड पैटर्न इट हैज. साइड से उन्होंने इलास्टिक एड किया जिसकी वजह से ये सिंच हो जाता है एंड इट जस्ट हग्स मी एट द राइट प्लेस. आई मीन द साइज मीडियम फॉर दिस. ज़ारा के साइज ना थोड़े आगे नीचे ऊपर पीछे होते ही है. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट शी गॉट मी इज अ स्पेगेटी टैंक टॉप अगेन एंड दिस इज सो फ्रीकिंग क्लासी सेक्सी ब्यूटिफुल. इसका जो पैटर्न है वो क्रॉस सेट फिट वाला पैटर्न देता है, इवन दो दिस इज नॉट लाइक दैट टाइट ऑन द बॉडी, बट एज अ इल्यूजन देता है कि आपने क्रॉस सेट डाल के रखा हुआ है. सो मटेरियल इज सैटिन फॉर दिस. क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है इसकी. आई एम स्टिल फिगरिंग आउट हाउ आई वॉन्ट टू लाइक स्टाइल दिस. वन वे आई नो फॉर श्योर कि इसको डाल दिया, उसके बाद ब्लेजर डाल दिया, इट्स गोना लुक सो क्लासी एंड सेक्सी, परफेक्ट फॉर लाइक नाइट आउट एंड नाइट इवेंट्स. She also got me this yellow color का चिकनकारी कुर्ता जिसमें white color का चिकनकारी work हो रखा है and this is a cotton कुर्ता. ये ऊपर से एकदम perfect fit होता है, नीचे से थोड़ा सा slightly loose है which I do not mind because I have broader shoulders. तो ऐसा होता है कुर्ता के साथ कि मुझे ऊपर fit होता हो जाता है, नीचे हल्का सा loose पड़ जाता है कुर्ता मुझे. I freaking love it. They are so easy to style and they are evergreen styles. They are never gonna go out of style for sure. Okay, next two gifts are from my bua और उनके बच्चे. basically मेरे cousins ने मुझे ये gift दिया है. these are like Rakhi slash birthday gift. सो दिस वन इज फ्रॉम माई मिडिल बुआ. सो मेरी तीन बुआ है. सो मेरी बीच वाली बुआ ने मुझे ये दिया है. बेसिकली उनका जो बेटा है बंटी, दैट्स माई कजिन, बुआ भी आया हुआ था और मैं और वो शॉप करने के लिए गए थे. उसने मुझे बोला स्पेसिफिकली कि माँ ने मुझे पैसे दिए आपके लिए बर्थडे डैश रक्षाबंधन के लिए गिफ्ट लेना है, चलो चलो. फिर हम लोग मॉल में घूम रहे थे एंड देन फाइनली बहुत घूमने के बाद वी सिलेक्टेड दिस. उसको भी काफी पसंद आया. सो दिस इज अ शॉर्ट कुर्ता ड्रेस बाय द ब्रांड ग्लोबल डीसी. इसमें वो ओम्ब्रे वाला पैटर्न है, वो सनसेट ओम्ब्रे जो होता है वैसा वाला है कुछ. एंड इसका जो स्लीव्स है दे आर वेरी प्रिटी. इसके स्लीव्स पफी स्लीव्स हैं जो कि विक्टोरियन स्लीव वाला वाइब देता है. सो दिस कुर्ता हैज लाइक स्ट्रेट फिट ऊपर ऊपर तक, फिर नीचे आके फ्लोई हो जाता है बिकॉज ऑफ द पैटर्न इट हैज. स्लाइटली लूज दिस इज फॉर मी. मुझे एक दो इंच मरवाना पड़ेगा, बट अगर मैं एक साइज छोटा जाती ना तो मुझे ऊपर से टाइट हो जाता अगेन बिकॉज ऑफ माई बॉडी टाइप. आई हैव ब्रॉडर शोल्डर. आई कैन वेयर दिस एज इट इज एज अ कुर्ता ड्रेस या फिर मैं ऐसे लाइक सूट सेट बना के भी पहन सकती हूँ. सो दे आर सो मेनी वेज आई कैन स्टाइल दिस. थैंक यू सो मच बंटी फॉर दिस एंड गोइंग शॉपिंग विद मी फॉर दिस. लास्ट गिफ्ट इज अगेन फ्रॉम माई अनदर बुआ और उनके बच्चे मेरे कजिन्स चंदा बन्ना ने मुझे ये भेजा है. सो दिस इज अ सूट सेट दैट शी गिफ्टेड मी. दिस बाय द ब्रांड बम्मा कुटोर. इट्स अ सॉलिड रेड एंड मरून कलर का कुर्ता. हल्का सा डिजाइन दिया है यहाँ पे चेस्ट के पास. इसके जो स्लीव्स है वहाँ पे फ्रिल एड हुआ है विच आई रियली लाइक. और नीचे जाके अनारकली पैटर्न हो जाता है. हल्का सा लूज है अगेन ये वाला कुर्ता, बट आई डोंट माइंड. आई रियली लाइक द वे दिस वॉज लाइक लुकिंग लूजी पुजी ऑन मी. एंड प्लाजो इज वेरी बेसिक सॉलिड प्लेन प्लाजो, बट उसके नीचे यहाँ पे गोटा पत्ती का लेस दिया गया है. और दुपट्टा इसका बहुत ही सुंदर है अगेन.
मैंने इसमें गोटा पत्ती लेस ऐड हुआ है और फ्लोरल प्रिंट का दुपट्टा, इट वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग द सूट सेट सो वेल। इसके अलावा देयर इज वन गिफ्ट लेफ्ट जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकती, एंड आई डोंट वांट टू जिंक्स दैट गिफ्ट, दैट इज गोना बी फ्रॉम माय ब्रदर। ऑलराइट गाइस, सो या दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। आई रियली होप आपको आज का ये वीडियो देखने में मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया आज का ये वीडियो, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल टू वॉच ऐसे और कंटेंट लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। कमेंट करना मत भूलना, मुझे आपकी कमेंट्स पढ़ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं आपसे बाद में मिलूंगी विद ब्रांड न्यू कंटेंट ऑन दिस चैनल। बाय एवरीवन, ठीक।